घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कच्ची हल्दी का सेवन करने से मिलने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हल्दी का उपयोग सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये समय हल्दी से होने वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की तुलना में ज़्यादा गुण होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कच्ची हल्दी के इस्तेमाल के दौरान निकलने वाला रंग हल्दी पाउडर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और पक्का होता है। कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है, जिसे जूस में डालकर, दूध में उबालकर, चावल के व्यंजनों में डालकर, अचार के तौर पर, चटनी बनाकर और सूप में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। आइए जानते हैं कच्ची हल्दी के 10 सबसे बड़े फायदों के बारे में। पहला फायदा, कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। ये खास तौर पर पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें खत्म भी कर देती है। ये हानिकारक रेडिएशन के संपर्क में आने से होने वाले ट्यूमर से भी बचाव करती है। दूसरा फायदा, हल्दी में सूजन को रोकने का खास गुण होता है। इसका उपयोग गठिया रोगियों को अत्यधिक फायदा पहुंचाता है। ये शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करती है और गठिया रोग में होने वाले जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। तीसरा फायदा, कच्ची हल्दी में इंसुलिन के स्तर को संतुलित करने का गुण होता है। इस प्रकार ये मधुमेह रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकोज को नियंत्रित करती है, जिससे मधुमेह के दौरान दी जाने वाली उपचार का असर बढ़ जाता है। चौथा फायदा, हल्दी में लिपोपॉलीसेचुराइड नामक एक तत्व होता है। इससे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हल्दी इस तरह के शरीर में बैक्टीरिया की समस्या से बचाव करती है और ये बुखार होने से रोकती है। इसमें शरीर को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के गुण होते हैं। पांचवा फायदा, हल्दी के लगातार सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर शरीर में कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हल्दी शरीर को हृदय रोगों से बचाती है। छठा फायदा, कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें सोरायसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों से बचाव के गुण होते हैं। सातवां फायदा, हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है। इसके एंटीसेप्टिक गुण के कारण भारतीय संस्कृति में विवाह के पहले पूरे शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया जाता है। आठवां फायदा, कच्ची हल्दी से बनी चाय बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नौवां फायदा, हल्दी में वजन कम करने का गुण पाया जाता है। इसका नियमित उपयोग से वजन कम होने की गति बढ़ जाती है। दसवां फायदा, हल्दी लीवर को भी स्वस्थ रखती है। हल्दी के उपयोग से लीवर सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। हल्दी अनेक अद्भुत गुणों से भरपूर होती है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है, उन्हें पेट में दर्द या डायरिया जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को कच्ची हल्दी के उपयोग से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कच्ची हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा बाकी सभी लोग कच्ची हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सूखी हल्दी के पाउडर से कई गुना ज़्यादा गुणकारी कच्ची हल्दी होती है। इसलिए जब भी आप सेवन करें तो कोशिश करें कि आप कच्ची हल्दी का ही सेवन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुणकारी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।